Hello guys, welcome to Achieve IS. My name is Ayush Metri. In this video, we are going to discuss about episode 16 and Sushunga Dynasty and Nanda Dynasty. Episode 15 हम पढ़ चुके हैं और episode 16 हम पढ़ने जा रहे हैं. पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरीके से मगध में हरंका डायनेस्टी ने अपना दबदबा बनाए रखा, बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, और अब हम पढ़ेंगे शुशुंगा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी के बारे में. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के वेरियस कोर्सेज टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में अवेलेबल है. ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके भी पूछताछ कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं शुशुंगा डायनेस्टी से. मैं आपको बता चुका हूँ कि हरंका डायनेस्टी आई थी, उसके बाद हरंका डायनेस्टी में जब उदयन जो लास्ट रूलर थे तो उनके बाद जो है ये नाग दशक आए, और नाग दशक एक तरीके से वहाँ पे राजा थे और मतलब सक्सीड. उदयन के बाद नाग दशक आए, राजा थे लेकिन अनवर्दी थे, वेरी अनवर्दी, लोग उनको पसंद ही नहीं करते थे. तो उनके जो मंत्री थे नाग दशक के शुशुंगा, उनको राजा बना दिया वहाँ के लोगों ने. तो देखा गया कि उस टाइम पे लोगों ने अपनी पावर दिखाई और शुशुंगा को राजा बना दिया जो कि नाग दशक के मंत्री थे. शुशुंगा जैसे ही राजा बने, यहाँ से शुरुआत होती है शुशुंगा डायनास्टी की. शुशुंगा डायनास्टी में अगर शुशुंगा की बात करूँ तो ये वैसरॉय थे काशी के पहले, फिर मगध के राजा बन गए. किस तरीके से बने मैंने आपको बता दिया है. वहाँ के राजाओं, वहाँ के लोगों ने मिलके जो है इनको राजा बना दिया क्योंकि वे नाग दशक से परेशान हो चुके थे. नाग दशक इनके राजा थे पहले और शुशुंगा इनके मंत्री थे, मंत्री को अब राजा बना दिया गया है. तो शुरू में कैपिटल इनके पास गिरविराज थी जिनको राजगृह भी बोलते हैं, और बाद में इन्होंने ये कैपिटल अपनी बना दी वैशाली में. इनका सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि इन्होंने अवंती को अनेक्स कर लिया. तो अवंती काफ़ी सालों से लड़ाई चल रही थी अवंती की और मगध की, राइवलरी चल रही थी. इन लड़ाई को इन्होंने ख़त्म कर दिया. तो शुशुंगा का ये अचीवमेंट आप याद रखेंगे. और साथ ही साथ इन्होंने कैपिटल कहाँ बना ली थी, वैशाली में. कालाशोका ने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, फिर पाटलिपुत्र कर दी. कालाशोका को काकावंडा भी कहते थे, शुशुंगा के बेटे थे ये. और कैपिटल इन्होंने जैसा कि मैंने बताया पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी. सबसे महत्वपूर्ण काम इन्होंने ये किया कि जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वैशाली में 383 BC में, ये इन्होंने कन्वीन कराया था. तो कालाशोका के बारे में हमने पढ़ लिया. शुशुंगा डायनेस्टी में शुशुंगा, फिर कालाशोका, ठीक है. कालाशोका शुशुंगा के बेटे थे. ये हमारी शुशुंगा डायनेस्टी हो चुकी है. नंदा डायनेस्टी आई. नंदा डायनेस्टी आई कैसे, क्योंकि नंदा डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे महापद्मनंदा, इन्होंने कालाशोका को मार दिया. अब नंदा डायनेस्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, क्योंकि जो पहले रूलर थे इनके महापद्मनंदा, उनको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर भी कहते हैं. हालांकि इनके ओरिजिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल व्यूज़ हैं. जैसे कि कोई कहता है कि जैसे पुरानास कहते हैं कि ये सुद्रा से आए, जैन टेक्स्ट और ग्रीक राइटर कहते हैं कि ये बार्बर और कोटेसन के बेटे थे. तो क्षत्रिय तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद कहाँ से आए इनका कोई अभी फिक्स नहीं है. तो कालाशोका को मार के ही आए महापद्मनंदा, नंदा डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई. फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया भी नहीं कहते हैं, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा. हालांकि काफ़ी बड़ी इनके पास आर्मी थी और इनको कई नामों से पुकारा गया, जिनमें पहला था सर्व क्षत्रिय कंटक, सर्व क्षत्रियन टक, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज, क्षत्रिया को मारने वाला, ठीक है, यानी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, अपरूटर ऑफ ऑल द किंग्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो. तो सर्वक्षत्रिय कंटक पहला था, दूसरा नाम था उग्रसेना और तीसरा था एकरथ. उग्रसेना, सेना यानी कि ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी. एकरथ का मतलब द सोल मोनार्च, इकलौता राजा या लड़ने वाला या इकलौता जो है किंग. तो तीन नामों से पुकारा जाता था, सर्वक्षत्रिय कंटक, उग्रसेना और एकरथ. एम्पायर ऑफकोर्स बढ़ा इनके रेन में, बढ़ा इनकी आर्मी काफ़ी अच्छी थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ तक बढ़ा. कलिंगा को इन्होंने जो है कॉन्क्वायर किया और कलिंगा के साथ साथ मैनी किंगडम्स भी इनके अंदर आ गए थे जिन्होंने महापद्मनंदा ने कॉन्क्वायर किया था. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं. महापद्मनंदा के 8 बच्चे हुए और लास्ट वाला धनानंदा था. धनानंदा लास्ट नंदा रूलर थे और इनको अग्रमीज और जेमेंड्रिस भी बोलते थे ग्रीक टेक्स्ट में. इंपॉर्टेंट ये इसलिए हैं, याद रखने लायक इसलिए हैं क्योंकि अलेक्जेंडर इनके जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ आया तो इन्होंने आगे गंगा से आगे बढ़े ही नहीं. वो गंगेटिक जो प्लान थे उनसे आगे अलेक्जेंडर आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि आर्मी वहाँ थक गई थी अलेक्जेंडर की और कह दी थी कि अब हमारी बस की नहीं है. तो बस की क्यों नहीं थी, एक तो क्लाइमेट ऐसा था कि अलेक्जेंडर के सैनिक लड़ लड़के थक गए, बीमारियां हो गई, और नंदा जो थे धनानंदा, उनकी सेना इतनी बड़ी, 200,000 तो इन्फेंट्री थी और 20,000 कावलरी थी और 3,000 एलिफेंट थे और 2,000 चैरियट्स थे, घुड़सवार थे.
तो पावरफुल रूलर तो ये ऐसे थे, और साथ ही साथ ये सेना इनके पापा से आई थी महापद्मानंदा से, जिनको खुद उग्र सेना बुलाते हैं। तो सेना इनके पास थी, इस वजह से अलेक्जेंडर के सैनिक ऐसे डर गए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अलेक्जेंडर जो है आगे नहीं बढ़ पाया इनकी वजह से। अच्छा, ये थोड़े से अनपॉपुलर थे, यानी कि इनकी जो है एक सबसे बुरी चीज़ ये थी कि टैक्स बहुत ज़्यादा ये वसूलते थे। और ये सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर इतनी सेना बड़ी है तो उनको कुछ पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए टैक्स तो चाहिए ही होगा। और शूद्रा का इनका ओरिजिन था महापद्मानंदा, इनके पापा जो थे वो शूद्र से आए थे, ऐसा जो थ्योरीज हैं, तो उनसे दुश्मन भी खड़े हो गए इनके। भाई इनको कहते थे, इनके पापा को महापद्मानंदा को क्या कहते थे, सर्वश्रेष्ठ कंटक, क्षत्रियों को मारने वाला। तो जिसका नाम ही क्षत्रियों का मारने वाला, उसके दुश्मन क्षत्रिय नहीं होंगे क्या? तो एक तो एनिमी इतने लोग पसंद नहीं करते। फिर जो है ऐसा हुआ, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए चाणक्य की मदद से। स्टोरी कुछ ऐसी है कि चाणक्य को इंसल्ट हो गई थी, ये शायद पता नहीं कौन से रूल, शायद धनानंदा ने कर दी थी, चाणक्य की इंसल्ट कर दी थी। तो चाणक्य ने सोचा कि अब मैं जो है इसको हरा के रहूँगा, और चंद्रगुप्त मौर्य जो भी नॉन क्षत्रिय थे, इनकी मदद से धनानंदा को उखाड़ फेंका, और मौर्य एम्पायर की शुरुआत मगध में हो गई। अब मगध की इम्पोर्टेंस इतनी है क्यों आखिर? मतलब मगध इतना पावरफुल, इतने सारे 16 महाजनपदास में से मगध क्यों इतना पावरफुल निकल गया? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के साथ। तो मैं बता चुका हूँ आपको, गंगटिक वैली के ऊपर पास पास था, अपर और लोअर पार्ट में, तो खेती अच्छी होती थी, सरप्लस होता था कि आर्मी को चला सकें, रूट अच्छा बना हुआ था इनके लिए, फर्टाइल सोयल थी, रेनफॉल अच्छी थी, और गंगा, सोन और चंपा नदी इनके इंसर्कल की गई थी मगध के चारों ओर, तीन साइड रिवर थी। तो एक तो ये कि एनिमी ढंग से पहुंच नहीं पाए अच्छे से, नदियों से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, दूसरा इनके इनको खुद को अगर कहीं जाना हो तो नदियों की मदद से ये आसानी से पहुंच जाए, है ना भाई, इनको तो पता ही होगा ना नदी किस तरह कैसे जाना है, दुश्मनों को पता नहीं। तो राजगीर और पाटलिपुत्र जो है वो, मैं अगर मगध के कैपिटल्स की बात करूं, जो मैं आपको बता चुका हूं कि हरिंका डायनेस्टी में बिंबिसारा जो आए थे उन्होंने अपनी कैपिटल राजगीर को बसाया, उदिन ने पाटलिपुत्र को किया, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया शिशुंगा ने वैशाली को किया, और अभी शिशुंगा के बाद जब कालाशोक आए थे तो उन्होंने वापस पाटलिपुत्र को कर दिया। तो राजगीर और पाटलिपुत्र में गेम चलता रहा, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये स्ट्रेटेजिक पोजिशंस पर लोकेटेड थे। तो कुछ फैक्टर्स हैं इसकी वजह से भी मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करूं तो कॉपर और आयरन डिपॉजिट अच्छे थे, लोकेशन अच्छी थी तो ट्रेड भी अच्छा होता था, पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी थी तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, सिटी, आर्मी के लिए भी अच्छा जो है रिक्रूटमेंट हो जाता था, खेती भी अच्छी हो जाती थी, आर्टिसंस भी अच्छे मिल जाते थे, माइनिंग भी अच्छी हो जाती थी। और मैं तो अब जब आप मौर्य पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है नई नई ज़मीनों पे चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को आदेश देते थे, मतलब सलाह देते थे कि नई नई ज़मीन है उनको अगर खुदवाना है तो जो लोग हैं उनको बोलो, प्रेशर दो कि वो ज़मीन पे खेती करें, और कुछ शेयर उनका होगा, कुछ शेयर हमारा होगा। तो काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, पॉपुलेशन अच्छी थी, तो इन्होंने प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई, लोगों की भी प्रॉस्पेरिटी थी, राजाओं की भी थी, और टैक्स तो ये अच्छे खासे वसूलते ही थे। जैसे मैंने बताया आपको कि धनानंदा टैक्स काफ़ी अच्छे वसूलते थे, सेना थी, सेना को चलाने के लिए इतना तो टैक्स चाहिए ही होगा। तो गंगा की मास्टरी मतलब इकोनॉमिक हेजमनी, गंगा बहुत अच्छा, गंगा जो रीजन था वो बहुत अच्छा था ट्रेड के लिए, गंगा वाला, गंगटिक वैली वाला, तो गंगटिक वैली मेन जो है फोकस एरिया थी इनके। अच्छा, बिंबिसारा ने अंगा को कॉन्क्वायर किया था तो चंपा ऐड हो गई, तो चंपा सिर्फ कहीं और रास्ते खुल गए नदी से, तो चंपा जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और साउथ इंडिया की तरफ ले चली, तो ट्रेड वहाँ बढ़ गया, ट्रेड बढ़ा तो प्रॉस्पेरिटी आई, सेना को उतना ही खिला सकते हैं, लोग उतना ही आगे प्रॉस्पर होंगे, उतनी ही बड़ी सेना होगी, उतना ही प्रॉस्पेरिटी रहेगी, राजा भी खुश, जनता भी खुश, और पूरा किंगडम पावरफुल। कल्चरल इफेक्ट की बात करूँ तो देखो अनऑर्थोडॉक्स था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको नंदाज क्षत्रिय नहीं थे, मौर्य भी क्षत्रिय नहीं थे, तो ये इस तरीके से अगर सोसाइटी बढ़ती आगे तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों में डिफरेंस कम रह जाता है। अगर मान लो नॉन और नॉन आर्यन पीपल साथ में रहेंगे, और पता है कि राजा जो है वो कभी शूद्र का बच्चा बनता है, कभी नॉन क्षत्रिय बनता है, कभी क्षत्रिय बनता है, तो डिफरेंसेस काफ़ी कम रह जाते हैं, तो लिबरल ट्रेडिशन भी बढ़ते हैं, और इसी का परिणाम स्वरूप जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म आपके निकल के आए। मेनली तो ये ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में निकल के आए थे, लेकिन इन्वायरमेंट इनको प्रॉपर मगध में मिला।
ब्राह्मणास का डोमिनेशन इतना नहीं था, और किंग, मैं बता चुका हूँ आपको, किंग्स जो थे वो थोड़े ओरिजिन में लो थे, लो कास्ट के थे, और शूद्रास जैसे कि मैंने कहा, महात्मानंदा तो कहा था पुराणास ने कि ये शूद्र के बेटे हैं, और जैन टेक्स्ट में तो कोटिशन के बेटे बता रखे थे, किसी ने बार्बर का बेटा बता रखा था। पॉलिटिकल फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो मगध तो लकी थे, क्योंकि इतने शानदार पावरफुल रूलर्स आए। भाई एक तो रूलर में भी तो खासियत होती है ना, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, तो स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज भी थी, और आयरन तो अवेलेबल हो ही गया, कॉपर और आयरन तो अवेलेबल था ही, तो खेती आयरन प्लग निकल के आया था मगध में। बाद में जब हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म में, तो उसमें खेती काफ़ी आसानी से हुई, इससे एडवांस वीपनरी बनती गई। और एलिफेंट्स, हाँ ये याद रखिएगा, मगधा किंग्स जो है पहले किंग्स थे जिन्होंने एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया, अब तक घुड़सवार यूज़ में होते थे। वैदिक पीपल के जो लोग थे, वैदिक एज के लोग, वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, और वीपन थोड़े वुड के बने हुए थे। लेकिन मगध में देखा गया कि आगे जब हम महाजनपद पीरियड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो महाजनपदास थे उनके, और खासकर कि मगध जो रीजन था, आयरन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ, वीपनरी बढ़ी, और एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया। तो एलिफेंट्स तो घोड़ों में तो लड़ाई में तो एलिफेंट्स ही जीतेंगे वैसे भी, और मैंने कहा ना 3000 एलिफेंट्स तक ये रखते थे, काफ़ी अच्छा इनका वीपनरी, काफ़ी अच्छी इनकी आर्मी थी, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सबसे बड़ी बात मिलिट्री अच्छी थी, तो प्रशासन भी अच्छा था। टैक्स काफ़ी भारी वसूलते थे, लेकिन रिवोल्ट इतना नहीं होता था। हालांकि नाग दशक जो शिशुंगा डायनेस्टी से पहले उदयन के बाद आए थे ना, नाग दशक जिनके मंत्री शिशुंगा थे और शिशुंगा डायनेस्टी आई थी, तो वो भले ही नाग दशक के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे, लेकिन उसके बाद देखा गया कि और भी रूलर्स एग्जोर्बिटेंट टैक्स लेते थे, लेकिन प्रशासन काफ़ी अच्छा था, लोग खुश थे, प्रॉस्पर थे, टैक्स था लेकिन प्रॉस्पर थे, प्रशासन अच्छा था, ऑफिशियल्स काफ़ी अच्छे जो है तरीके से काम करते थे, मतलब वहाँ की जो सॉवरेनिटी थी वो बनाए रखते थे, पावरफुल वहाँ के राजा रहते थे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड ब्लेस यू ऑल।